बिग बॉस ओटीटी से निकलने के बाद आखिर क्यों न्यूट्रल ऑडियंस एल्विश और अभिषेक से ज़्यादा विश्वास और पसंद करती है मनीषा को, उसके हैं ये बड़े रीज़न। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। बिग बॉस ओटीटी बिग बॉस की इतिहास का ऐसा सीज़न था ना जिसका जुनून, जिसका जादू आज तक लोग के सर चढ़कर बोल रहा है। और यहाँ पर तीन ऐसे बड़े कंटेस्टेंट थे जिनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, बहुत नाम मिला और आज भी वो रूल कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इस लिस्ट में अगर आप देखोगे ना तो मनीषा और एल्विश टॉप पर ही रहते हैं हमेशा। अभिषेक का भी एक अलग स्टार्डम है, अभिषेक भी रूल कर रहे हैं। लेकिन बिग बॉस ओटीटी में ना इन तीनों को पसंद किया गया था इनके नेचुरल स्वभाव के कारण, इनके रियलिटी के कारण। ये रियल थे इसलिए इनको सबसे ज्यादा प्यार जनता से मिला और एल्विश यादव विनर बने क्योंकि लोगों का ट्रस्ट था कि एल्विश ने पीठ पीछे कभी किसी की बुलिंग नहीं की, कभी किसी की चुगली नहीं की। स्टैंड लेने की बात आया तो उसने हमेशा अपने दोस्त का स्टैंड लिया है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली। बिग बॉस के घर में भी ऐसा बहुत बार देखा गया था कि मनीषा पर जब भी बात आती थी एल्विश जो है वो ऐसा इंसान था, डिप्लोमेटिक होकर नहीं, वो न्यूट्रल होकर मनीषा के साथ हमेशा खड़ा रहा है चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। मैं आपको बता दूं अगर आप शिपिंग कर रहे हो ना तो शिपिंग करना बिल्कुल गलत नहीं है। जो लोग भी शिपिंग फैंडम के खिलाफ है ना शायद उनको ये बातें नहीं पता है कि आपके आइडियल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं। अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं तो यहाँ पर शिपिंग होती है। हर एक बड़े बड़े स्टार्स की, बड़े बड़े एक्टर्स का भी नाम जोड़ा जाता है। नाम जोड़ने से कभी किसी का नाम नहीं जुड़ जाता, ये बात मेरी आप याद रखना। एल्विश यादव और मनीषा की केमिस्ट्री है ना न्यूट्रल ऑडियंस को भी बहुत पसंद आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एल्विश और अभिषेक इन दोनों से कोसों आगे हैं मनीषा। और मनीषा पर लोगों का जो ट्रस्ट है ना उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मनीषा ने कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, नेगेटिविटी को कभी भी मुड़ कर जवाब नहीं दिया। हमेशा ही पॉजिटिविटी के साथ मनीषा आगे बढ़ती रही और आज भी मनीषा पर ट्रस्ट है जो लोगों का वो एल्विश और अभिषेक इन दोनों से ही कई ज़्यादा है। दूसरा है ये बड़ा रीज़न जिसके चलते एल्विश और अभिषेक नहीं मनीषा सबसे ज़्यादा लोग की पसंदीदा बनी हुई है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एल्विशा फैंडम से हो तो मैं चाहूँगा कि आप एल्विशा को सपोर्ट कीजिए, इनके प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए। लेकिन अगर कोई किसी बात को लेकर टारगेट कर रहा है ना तो वहाँ पर भी आपको सोचना होगा, समझना होगा। मुझे जहाँ तक पता है एल्विशा वालों को अपनी लिमिट पता है। एल्विशा वालों ने दूसरे एक्स वाई जेड फैंडम की तरह कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं किया, लेकिन बावजूद उसके एल्विशा को आज टॉक्सिक कहा जा रहा है। ये सरासर गलत है और ये इनके आइडल को भी समझना चाहिए, इनके क्रिएटर को भी समझना चाहिए कि जब फैंस हैं तो कोई भी स्टार है, फैंस हैं तो आप क्रिएटर हो, फैंस हैं तभी आप हो, वरना विदाउट अ फैंस यू आर अ ज़ीरो। ये मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ये सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी हो जाए। बॉलीवुड के भी बड़े बड़े एक्टर्स आज अगर उनकी फिल्में नहीं चल रही है ना तो उसका मेजर रीज़न है फैंस का उन पर से विश्वास उठ गया है, उनके बयानों के चलते, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते बॉलीवुड फिल्में क्यों आज पिट रही हैं। क्या आज भी बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में नहीं बन रही हैं? बिल्कुल बन रही हैं, बेशक बन रहा है। लेकिन जो नेचर जो है, जो स्वभाव जो है, उसके चलते बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लॉयल फैंस को खो दिया, अपने फैंस का ट्रस्ट खो दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही ट्रस्ट मनीषा ने हमेशा से ही बिल्ड किया है। मनीषा रानी वो लड़की है ना जिसने हमेशा ही शिपिंग फैंडम को सपोर्ट ही नहीं किया, शिपिंग फैंडम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। ये बात मनीषा को बखूबी पता है। मैं समझता हूँ मनीषा एल्विश और अभिषेक इन दोनों से ज़्यादा मैच्योर हैं एज कम्पेयर टू एल्विश यादव और अभिषेक मल्हन। मनीषा रानी को भी पता है कि किसी के कहने से उनकी शादी नहीं हो जाएगी, किसी से नाम जोड़ने से मनीषा का रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। लेकिन ये शिपिंग है, अगर शिपिंग में किसी को अच्छा लग रहा है तो मनीषा उसको अप्रिशिएट करती हैं। मनीषा ने हमेशा से ही अप्रिशिएट किया है, जबकि मैं आपको एक बहुत ही हार्ड और कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, मनीषा को जितना टारगेट किया गया है ना उतना किसी को टारगेट नहीं किया गया है। ये बात मेरी आप याद रखना, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर ऑफेंस हो सकते हैं लेकिन ये बात सच है, जितना मनीषा को टारगेट किया गया, मनीषा को जो बुली किया गया उतना किसी को नहीं किया गया है। लेकिन आज भी मनीषा पॉजिटिविटी के साथ आगे चल रही हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको कहना चाहूँगा अभिषा हो, अभिया हो, एल्विशा हो, बट यू ऑलवेज सपोर्ट मनीषा। मनीषा को सपोर्ट कीजिए। मनीषा जब भी बिग बॉस से निकली थी ना तो मनीषा डिजर्विंग विनर थी, उस लड़की ने आज तक कभी नहीं बोला। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर एज एन आप न्यूट्रल ऑडियंस देखो ना तो मनीषा के पास वो
आर्मी या पांडा गैंग या बड़े बड़े जो फैन फॉलोअर वाले हैं वैसा कोई ताकत नहीं था, बड़े गैंग का किसी का सपोर्ट नहीं था, वरना मनीषा जो है वो बिग बॉस की विनर होती। ये वो बड़े रीज़न जिसके चलते ना मनीषा को लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि एल्विशा में जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है ना उसको आप इग्नोर कीजिए, आने वाले वक्त में आपको एल्विशा का प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ साथ ही साथ आप मनीषा को भी सपोर्ट कीजिए, एल्विश को भी सपोर्ट कीजिए, अभिषेक को अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप अपने अपने क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हो। आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या वाकई आप भी मानते हो कि एल्विश और अभिषेक दोनों से मैच्योरिटी के मामले में ना मनीषा कई गुना आगे हैं। मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।